जो अपने पति को नहीं छू सकती, जो अपने बच्चे को नहीं छू सकती, जो अपने पादरी को नहीं छू सकती, जो अपने पड़ोसी को नहीं छू सकती, जो अपने बच्चे को नहीं छू सकती, जो अपने रिश्तेदार को नहीं छू सकती, जो बाजार में किसी को नहीं छू सकती, कहीं दिख नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, किसी को नहीं छू सकती, वो यीशु मसीह को छू सकता है। ये है दावा। यू कैनॉट टच एनीवन बट यू कैन टच जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। जय मसीह की। आज के इस अवसर के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस आराधना को आइए हम प्रारंभ करें। सर्वप्रथम हम एक विशेष गीत स्वर्गीय विनोद तिमोथी के द्वारा सुन लेंगे। इस गीत के बोल है, गुलशन में फूलों का डेरा। गुलशन में फूलों का डेरा, ओहो, गुलशन में फूलों का डेरा, ये हवा ये फिजा बवरे कलिया, ये हवा ये फिजा बवरे कलिया, सब गाते हैं कि यीशु तेरा,
आज के संदेश को हम डॉक्टर पी देवदास के द्वारा सुनेंगे। आज के संदेश से संबंधित जो बाइबल अंश पाया जाता है वो लूका रचित सुसमाचार उसका 8:40-48 तक पाया जाता है। आइए इस वचन को आप सभी मेरे साथ निकाल लें। लूका रचित सुसमाचार उसका 8:40-48 तक हम इसे एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे। आप सभी मेरे साथ एक साथ मिलकर इसे पढ़ेंगे। जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। इतने में याहिर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पाँव पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी, वह मरने पर थी। जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिर पड़ते थे। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती तब कांपती हुई आई और उसके पाँव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। आइए हम वचन की ओर जाएंगे और डॉक्टर पी देवदास हमारे बीच आज वचन को बांटेंगे, तो आइए हम उनके द्वारा आज के वचन को सुन लेंगे। थैंक यू पास्टर, थैंक यू सो मच। आप सबों को जय मसीह की। यीशु साहब, बहुत सालों बाद विनोद तिमोती की आवाज़ सुना। हम लोग बहुत मिनिस्ट्री किए हैं, रेडियो प्रोग्राम में भी विनोद तिमोती के बहुत सारे गाने हैं, मेरे बनाए हुए गानों को भी उसने गाया है और हम बहुत ही भाईचारे के प्रेम के साथ सेवकाई करते थे और परमेश्वर ने जो आवाज़ उसको दी है उस आवाज़ का पूरा उसने फ़ायदा उसकी मिनिस्ट्री के लिए उठाया है। बहुत जल्दी प्रभु ने उठा लिया, लेकिन जितने भी साल था हम लोगों के साथ में बहुत ही अच्छा मिनिस्ट्री हम लोग किए और परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें भी हमें दी हैं। आज मैं आपके साथ में जो शेयर करना चाहता हूँ उसको पादरी साहब ने पढ़ दिया है, अब आगे मैं आपसे उसी पोर्शन को लेके बातें करूँगा। बहुत चिरपरिचित विषय है, बहुत बार आपने सुना है, बहुत बार आपने पढ़ा है, शायद आपने प्रचार भी किया होगा, मैं भी बहुत बार प्रचार किया हूँ। और ये चीज़ जो है बड़ा टचिंग सेरेमन है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छी सबक भी हमको इससे मिलता है। यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो वर्णन किया गया है ये जो है मत्ती 9 में 18-26 तक दिया है और मरकुस में 5:21-43 तक दिया हुआ है और लूका में 40-40 पूरे उसमें इसने इसी अंश को समझाया है। फिर कुछ ने कुछ लिखा, मैथ्यू ने तो बहुत ज़्यादा ही उसको संकुचित करके बताया है और कुछ दिए। मैं आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा मैं जानता हूँ, पढ़ा हूँ, अध्ययन किया हूँ, उसके अनुसार मैं आपसे बात करूँगा। सबसे पहले तो एक चीज़ एक देख लो कि ये 12 साल की लड़की है और 12 साल की इसकी बीमारी है। ये लड़की जब पैदा हुई ये बीमारी भी इसको पैदा हुई, दोनों की उम्र एक है, दोनों का जन्मदिन मैं कह सकता हूँ एक ही हो सकता है। तो ये दो पोर्शंस लेके बात किया गया है। एक देखिए कि याइर की लड़की, शायद इसको बोला जाता है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है कि शी वॉज हैवी डायबिटिक और डायबिटिक कोमा में थी
और करीब करीब वो खत्म हो चुकी थी। तो इसको तो हीलिंग नहीं कहिए, जहां तक अपन बोलेंगे कि एक रिजरेक्शन बोलेंगे, पुनरुत्थान हुआ कह सकते हैं इसको, मर चुकी थी इसको जिंदा किया है। और दूसरी लहू बहने वाली स्त्री जो थी ये 12 वर्ष से पीड़ित थी और इसको जो है उसने चंगाई लिए और उसने अपने विश्वास के कारण ये चंगाई प्राप्त की है। इस लड़की के बारे में सोचता हूँ तो बहुत सारी परेशानियां इसको है, जैसे लय व्यवस्था के 15 अध्याय को आप पढ़ना तो उसमें सारी चीजें दी हुई है डिटेल में, आप बाद में आराम से पढ़ते रहना कि कैसे ये लहू बहने वाली स्त्री के विषय में कहा गया है, लहू बहने की बीमारी के बारे में कहा है, लहू बहने के बारे में बताया है कैसे अशुद्धता है अपवित्रता है, मतलब दे कांट टच एनीवन, नोबडी कैन टच हर, ऐसा था। और जहां बैठती थी सोफा या कुर्सी पर तो उस सोफा या कुर्सी को भी पूरा सैनिटाइज करते थे, जैसे आजकल हम सैनिटाइज करते हैं वो उस समय वही चलता था। और छू दे किसी को तो भी मुश्किल है। मैं कितनी पीड़ा इसके अंदर में मैं सोचता हूँ कि ये देखिए इसके अंदर में कैसी किसी प्रकार की चुलबुलाहट रही होगी, कुड़कुड़ाहट रही होगी, परेशानी रही होगी, मतलब ये आप अंदाज करके देखिए, सोचिए इसके बारे में कि कैसे है? एक माँ है अपने बच्चे को नहीं छू सकती, एक माँ है अपने पति को नहीं छू सकती, एक लेडी है जो अपने बेटे को नहीं छू सकती, एक लेडी है जो अपने माँ को नहीं छू सकती, एक लेडी है जो अपने बाप को नहीं छू सकती, बच्चे को प्यार नहीं कर सकती, बच्चे को कुछ चाहिए तो दे नहीं सकती, घर में है लेकिन अकेला है, बैकआउटेड है, कैसे इसके अंदर में क्या जीवन होगा मेरे को समझ में नहीं आता। कितनी परेशानी होगी इसको कि कहीं जा नहीं सकती, चारों तरफ से बैकआउटेड है, चर्च में नहीं जा सकती, सिनेगॉग में नहीं जा सकती, किसी को छू नहीं सकती, किसी को देखे तो कहे अपवित्र हूँ अपवित्र हूँ, अपने आप को डिक्लेयर करना पड़ता है, ये परेशानी हो रही है। और देखिए ये परेशानी में मेरे ख्याल से कई बार कोशिश की होगी ये कि मत्ती, जब मत्ती के सब सुनी होगी तो वहाँ जाके कुछ यीशु मसीह के बारे में सुनी होगी तो उस समय कुछ करना चाहिए होगी, नहीं जब मैं भीड़ में जा नहीं सकती, वैसे ही जक्कई के समय भी सुनी होगी लेकिन वहाँ भी भीड़ में जा नहीं सकती क्योंकि इसको कोई देखे तो इसको भगा देंगे, ये किसी को दिखे तो मुश्किल है, कैसे परेशानी है, क्या करना है, ये बहुत ही परेशान थी। मतलब ये हुआ सोशली फाइनेंशियली और मतलब कम्युनिटी वाइज जैसे भी देखे घर से सब जगह से एक्सकम्युनिकेटेड, मतलब ये जो है बायकॉटेड है, ये निकाल दी गई है, इसको कोई छू नहीं सकते, क्या करेगी बेचारी, इसका क्या दोष है मेरे को समझ में नहीं आता। इसके अंदर में जो है वो निकल नहीं सकता, वो रोग दिख नहीं, कितने डॉक्टर्स के पास गई, कितना इलाज की, एक एक डॉक्टर के पास, मैं जैसा सोचता हूँ कि डॉक्टर के पास गई होगी, एक तो डॉक्टर्स ऐसे पेशेंट को लेने के लिए डरते होंगे और दूसरा लिए भी हैं पैसे की लालच में या जो भी करना हो दया के कारण, तो उसको लेने के बाद उसको छुए तो पूरा जो है नर्सिंग स्टाफ हो है, डॉक्टर्स हैं जितनों ने छुआ है, जिसको जिसको ये छुई है, जहां बैठी है, जहां लेटाए, सारी चीजों को निकाल कर इसको पूरा उसको सैनिटाइज करना पड़ता होगा, धोना पड़ता होगा, नहाना पड़ता होगा, ये सब कारण से भी कहीं बोलते होंगे हटाओ यार इसको दूर करो, इलाज भी कोई करने को तैयार नहीं, पूरा पैसा खर्च कर चुकी, चारों तरफ हो गई निराश हो गई, निराशा के सिवा इसके पास कुछ भी नहीं है। 12 साल एक तो ये लड़की 12 साल की, ये 12 साल की लड़की शी इज ऑलमोस्ट ऑल डेड, डायबिटिक कोमा में है, और ये 12 साल की लेडी ये परेशान है, ये जिंदा रह के भी कोई मतलब नहीं है। 12 का एक वैल्यू भी बाइबल में मेरे ख्याल से है, इसका मतलब होता है एक परफेक्शन होता है 12 का, और ये देखिए 12 का और भी मतलब ऐसा होता है कि ये 12 शिष्य, 12 दीवट, 12 गोत्र, 12 द्वार, कई चीज 12 12 12 करके दिया, प्रकाशित वाक्य में भी बहुत सारी चीजें 12 12 का वर्णन किया गया है। 12 मतलब इसको बोलते हैं परफेक्शन है, एक परफेक्ट फिगर है, एक पूर्णता है इसमें, संपूर्णता है इसमें, ऐसा बोलते हैं। क्या संपूर्णता मेरे को दिखता नहीं, ये लड़की की संपूर्णता की है खत्म हो गई, ये लेडी की संपूर्णता की है बर्बाद हो गई है। अब यहां पर देखिए ये लेडी जो है कई बार ये यीशु मसीह के बारे में होगा लेकिन इस बार यहां तो कुछ लिखा नहीं है इसने, ये लूका ने तो उसको नहीं लिखा लेकिन मरकुस ने उसको लिखा है, मरकुस 5:27 में लिखता है वह यीशु, मैं पढ़ रहा हूं आपको सुनिए, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। किसका पहले, वह यीशु की चर्चा सुनकर, यीशु की चर्चा सुनकर, सुनने से विश्वास आता है, रोमियो 10:17 वचन क्या बोलता है, विश्वास सुनने से
और सुनना मसीह के वचन। फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। ये विश्वास, विश्वास सुनने से आता है और विश्वास सुनने से आता है और फिर विश्वास बांटने से बढ़ता है। समझ गए एक वचन ना, विश्वास सुनने से आता है बांटने से बढ़ता है। जैसे वो लड़के के पास था, कितना था, 2 मछली 5 रोटी, उसने दिया तो कितना खाए, 5,000 तो छोड़, 20-25,000 लोग खाए, इफरात हो गया। बांटोगे तो बढ़ेगा, तुम अपनी गवाही दोगे तो बढ़ेगा। जैसे जैसे तुम्हारी गवाही बढ़ेगी, जैसे जैसे तुम्हारी गवाही लोग सुनेंगे, जैसे जैसे लोग कन्विंस होंगे, उसका समाचार बढ़ता जाएगा, उसका राज बढ़ता जाएगा और उसकी महिमा बढ़ती जाएगी, सच्चाई बढ़ता जाएगा, सच्चाई को परिचित हो जाएंगे, सच्चाई को लोग जानने लगेंगे। ये कैसे होता है, मतलब क्या है कि सुनना हमारे लिए जरूरी है और सुनने से हमारे अंदर में विश्वास आता है। ये लेडी सी हर्ड, उसने सुना और सुनने के बाद क्या किया, भीड़ में गई। क्या परेशानी होगा, किस तरह से वो भीड़ तरफ गई होगी, आप समझ सकते हैं क्या, कैसे भीड़ में जा सकती है। मैंने लेके बताया था, मैं शायद पिछले कभी किसी में बताया था मैं आपको, कि क्या है कि जाना चाहे तो जा सकते हैं, डिटर्मिनेशन चाहिए, है ना, कैसा चाहिए, एक संकल्प, एक दृढ़ संकल्प हमारे अंदर में चाहिए, एक निश्चितता हमारे अंदर में होना चाहिए। हमें एक डिसीजन लेना है कि आई हैव टू मीट हिम और मैं जुड़ सकता हूं, जा सकता हूं, कर सकता हूं। और ये भीड़ में कैसे गई, कैसे बचते कुछते कैसे गई होगी, पूरा घूंघट डाल ली होगी, कैसे क्यों होंगे वो भीड़ में, तो सब अपने ही अपने में है, सब अपने अपने में है, कोई अपना चंगाई चाहता है, कोई उसको देखना चाहता है, कोई उसको छूना चाहता है, कोई उसके सुनना चाहता है, कोई उसको क्रिटिसाइज करना चाहता है, कोई उस पर थूकना चाहता है, कोई उसको मानना चाहता है, कोई फॉर है, कोई अगेंस्ट में है, ये सारी भीड़ उसके पीछे है। और उस समय ये लेडी फायदा उठा के गई। अब देखिए मैं एक चीज, एक इक्वेशन और बताता हूं। देखिए यहां पर याईर की लड़की है और याईर की लड़की के पीछे यीशु मसीह है और यीशु मसीह के पीछे ये स्त्री है। यीशु मसीह उस याईर के लड़की के पास जाने को कर रहा है, भीड़ के साथ चल रहा है, और ये लेडी जो है यीशु मसीह के पीछे जा रही है, यीशु मसीह को पकड़ने जा रही है। वो 12 साल की लड़की वहां पर मरी पड़ी है और ये 12 साल की औरत यहाँ पर वो परेशान होकर है। और ये देखिए यीशु के पास ये कैसे भी लेके गई और उसके सोची कि उसके वस्त्र को यदि मैं छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी, ये उसके विश्वास था। एक 43 वचन पढ़ता हूँ। एक स्त्री ने जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी तो भी किसी के हाथ चंगी नहीं हो सकी, सारे एफर्ट्स उसके खत्म हो चुके। और जा रहे जब ये चीजें खत्म हो जाती है ना, जब हमारा प्रयास खत्म हो जाता है ना, तब यीशु बोलता है आ, तब मैं तेरे को दिखाऊंगा करिश्मा, तू अपना कर ले, लेकिन आखिरी में देख मेरे पास आना पड़ेगा और मैं तेरे को जो है अपनी करिश्मा दिखाऊंगा। तब पीछे 44 वचन कहता है, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ, मतलब पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ। कैसे छू होगी, कैसे, अरे बाप रे क्या तकलीफ की होगी, भीड़ में घुसते हुए कहीं उसको पहचान लिए तो थोड़ा सा यदि गड़बड़ हो जाता ना, सारा मामला खत्म हो जाता। शी कुड नॉट टच, वो कर नहीं, उसको पकड़ के मारते, पत्थरबाह करते, कुछ करते, भगा देते, क्योंकि कुछ को मालूम है 12 साल से ये पीड़ित है। एक दो दिन की होती तो कोई नई नवाड़ी चलते, ये तो 12 साल वाली है, इसको तो सब दुनिया पूरा, वो शहर पूरा जानता है, इसको करते कैसे बच के गई होगी। और गई और देखिए जब ये गई ना तो उसमें कहता है बरकुस अचित 5:30 में कहता है, थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी इसमें है इसलिए मैं आपको पढ़ता हूँ, आप भी देखिए पढ़िए। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझमें से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझमें से सामर्थ निकली है। वो लोगों से बोलता कोई मेरे को छुआ है, चेले बोलते हैं मेरे बाप कौन तेरे को छुआ है, यहाँ तो सारे लोग छू रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है, क्योंकि इतनी हलचल है, इतनी भीड़ है, इतना मतलब चल रहा है कसम कस कि कौन किसको छू रहा है, किस पे गिर रहा है, क्या हो रहा है नहीं मालूम, और तू बोलता है मेरे को कोई छुआ है, और वो भी पूरा इसको नहीं इसके वस्त्र को छुआ है और उसको पता लग गया। ये है प्रभु यीशु मसीह की करिश्मा। यहां पर से थोड़ा भी यदि तुम दिखाओगे ना, उसके छोर को छुओगे ना, तो क्या होगा, वो पूरा
पता चल जाएगा। उसको पता लग गया और उसने कहा, उसने तुरंत जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। इसने जान लिया, वो तो ठीक है, इसने तो जान लिया, और इसके साथ साथ कौन हुआ मालूम, जिसने छुआ वो भी जान गई, उसको भी पता लग गया कि आई एम हील्ड। कैसे? मतलब जो हाथ नहीं चल रहा था हाथ चल रहा, पैर नहीं चल रहा था पैर चल रहा, दिमाग नहीं चल रहा था दिमाग चल रहा है। वो लकवे का मारा उसको सारी चीजें पता लग रही और उठ बोलने से फट से उठ गया, सारी शक्ति आ गई। मेरे अंदर में जो पाप है मुझे मालूम है, मेरे हाथ पाप के कारण कैसे था, मेरे पैर किधर पाप की तरफ चलता था, मेरे दिमाग में पाप की योजना है क्या है, मेरे विचार क्या है, मैं दिखता अच्छा हूँ, चर्च जाता हूँ, गाना गाता हूँ, आगे रहता हूँ, दुआ करता हूँ, घंटों दुआ करता हूँ, और उसके बाद गाने का भी दान है, गाना भी गाता हूं, प्रचार भी करता हूं, जगह जगह करता हूं, लेकिन क्या मतलब? यदि मेरे अंदर में वो हीलिंग नहीं है तो सारी चीजें वेन में है, हवा में, बेकार चीजें हैं, कोई चीज नहीं हो सकता, इससे कोई फल नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि इसमें यीशु मसीह को पता लगता है, उसके साथ साथ मुझको जो छुआ हूं मुझे भी पता लगता है कि मैंने छुआ है और मेरे अंदर में हीलिंग हो गई। मैंने बताया ना आपको, एवरीवन हु इज सेव्ड कैन नो दैट ही इज सेव्ड। यदि वो बच गया है तो वो जान सकता है कि उसको उद्धार मिल गया। कैसे? ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो लेडी ठीक हो गई है, लहू बहना बंद हो गया, किसको मालूम है? तेरे को मेरे को मालूम होगा क्या? अरे जो बीमार जिस थी उससे पूछो, उसको मालूम है, और उसको पता लग गया कि सारी चीजें उस राव बंद हो गया, लहू बहना बंद हो गया, वो पाप जो है मिट गया है, क्षमा मिल चुकी है, नई हो चुकी है, सब कुछ है। मतलब यीशु मसीह वहां पर पीछे मुड़ता है, कहता है कि मुझ में से सामर्थ्य निकला है, और पीछे फिर कर पूछा, पीछे मुड़ कर पूछा, मतलब ही नोज द डायरेक्शन ऑल्सो। उसको ये भी मालूम है कि किधर से, अरे इधर से भी गिर रहे, इधर से भी गिर रहे, उधर से भी छू रहे, इधर से भी छू रहे, लेकिन पीछे से ये आए करके इसको मालूम पड़ गया। यीशु मसीह कितना ख्याल करता है हमारा तुम्हारा, डायरेक्शन भी मालूम है किधर से तुम आ रहे हो, तुम्हारा डायरेक्शन भी मालूम है। तुम कितने भी छिप के रहोगे ना, छिप नहीं सकते, याद रखना, ये छिप के तुम जिंदगी बिता नहीं सकते, तुम्हारे हर एक छिपे हुए पाप जो हैं उसको पता लग जाते हैं। मैं एक डायलॉग मेरे को कहीं से मिला, ये मतलब मैं पढ़ लिख के रखा हूं, देखिए आप, सीक्रेसी डिस्ट्रॉयज योर टेस्टिमोनी। जो गुप्त है चीजें अंदर रखे रहते हैं ना, या छुपा हुआ विश्वासी भी कहिए, छुपा विश्वासी या अब अपने आप में छुपा के पापों को रखा है, वो क्या करती, हमारी टेस्टिमोनी को खराब कर देती है। लेकिन टेस्टिमोनी डिस्ट्रॉयज योर सीक्रेसी। तुम यदि गवाही देते हो, तुम्हारे जीवन दिखाते हो, तुम शरीर में जाते हो तो गवाही देते हो, तो तुम्हारी सारी जो गुप्त पाप हैं या गुप्तता है या गोपनीय चीजें हैं, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। समझ गए? ये जितनी भी गोपनीय चीजें हैं ना, ये यीशु मसीह दूर कर देता है, और वो जानता है कौन सी चीजें हमारे अंदर में कमजोरी है, डायरेक्शन भी जानता है। उसने फिरा, उसने पीछे मुड़कर, यीशु पीछे फिर कर फिर पूछा, मतलब क्या कि कौन, किसी ने मुझे छुआ है। कौन देगा जवाब वहां पर? अब ये स्त्री सोच रही है, अब तो मैं पकड़ा गई हूं, और इसमें एक तो खुशी भी होगा ना, आनंद भी होगा, उपन रहा होगा, और वो सोचती होगी कोई पकड़ ले तो क्या करेंगे, मार देंगे ना बस, और क्या करेंगे, और चलो अब तो कोई डर ही नहीं है, क्योंकि आई एम हील्ड, मुझको मिल गया है वो टिकट, मिल गया है, मरूंगा तो भी वहीं जाऊंगा और सदा के लिए मैं वहां रहूंगा। इतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर में होना चाहिए, आ जाता है। कैसे आएगा? मतलब किसी ने मुझे छुआ है। क्या छुआ है? वस्त्र के छोर को, हेम, उसके छोर को छुआ है, और वस्त्र का छोर जो है उसमें नीला बॉर्डर ऑर्डर रहता था करके, कहीं तो भी गिनती पुस्तक में वही, कहीं तो भी पढ़ा था वस्त्र के बारे में, ये बहुत सेक्रेट चीजें होती है, सेक्रेट मतलब पवित्र चीजें होती है, ये ऐसी कोई कुछ छू नहीं सकता, ऐसा कुछ भी मैंने पढ़ा था। लेकिन एक चीज है, देखिए ये स्त्री ने समझ गई कि अब मैं छिप नहीं सकती, और जब छिप नहीं सकती तो क्या बोलती है 47वें वचन में, क्या पढ़ता है लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 47 में कहता है,
जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और पांवों पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ, सारी चीजें बयान कर दिया। जो पहले डरते थे ना, अब डर नहीं है, सारी चीजें बता दी, काय के लिए आई थी, क्या आई थी, क्या नहीं। अब देखो बोलती होगी, मैं अपने प्यारे बच्चे को गोद में नहीं ले सकती, मेरी लड़की स्कूल जा रही, उसका बाल नहीं बना सकती, बच्चे का गाउन जो है उसके पैंट में फंसा हुआ है, मैं उसको निकाल नहीं सकती, उसका टाई ठीक नहीं है, मैं उसको ठीक नहीं कर सकती, उसका बस्ता गिर रहा है, मैं पकड़ नहीं सकती, मेरी माँ बीमार है, मैं उसको छू नहीं सकती, मेरे पति का हाथ पकड़ के मैं चल नहीं सकती, मैं इस घर में हूँ, मैं एकदम लाश जैसे हूँ, मुझको ना कोई देखता ना मैं किसी को देख सकती, मैं ऐसे थी यीशु मसीह, मेरे पास कुछ नहीं था, निराधार था, मैं पाप में था, कोई मुझ तरफ देख नहीं, कोई मुझे में आशा नहीं, कल सारी गंदी बातें, गंदी आदतें, गंदी संगति, छोड़ना चाहता छूट नहीं सकता, फंसा हुआ हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे निकलूँ, मैं बता नहीं सकता, किसको बताऊँ, क्या बताऊँ, लेकिन अब मैं चंगाई पाया हूं तो मैं सारी चीजें बता सकता हूं, निडर होके बता सकता हूं, क्योंकि मेरा कोई क्या कर लेगा जब मेरा प्रभु मेरे साथ में है। क्या बोलता है, किस कारण से छुआ है ये उसने बताई, और कैसे कि उसने तुरंत चंगी हो गई। उसने कहा, तब यीशु मसीह ने क्या कहा, क्यों छुआ तू, क्या की, ऐसा की वैसे। अरे देखो एक चीज देखो, जो अपने पति को नहीं छू सकती, जो अपने बच्चे को नहीं छू सकती, जो अपने पादरी को नहीं छू सकती, जो अपने पड़ोसी को नहीं छू सकती, जो अपने बच्चे को नहीं छू सकती, जो अपने रिश्तेदार को नहीं छू सकती, जो बाजार में किसी को नहीं छू सकती, कहीं दिख नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, किसी को नहीं छू सकती, वो यीशु मसीह को छू सकता है। ये है दावा, यू कैनॉट टच एनीवन बट यू कैन टच जीसस। और ये यीशु मसीह को टच करो, यीशु मसीह क्या बोलता है, कोई तुझे मेरे से कोई परहेज नहीं है, क्यों तू आ जा मेरे पास, मैं तो तेरे को दे रहा हूं, मैं तो हूं ना तेरा प्रभु, मैं तेरे साथ में हूं, डर मत, ढाढ़स रख, मैंने सारे संसार को जीत लिया है, इस संसार में क्लेश होता है, होने दे, कोई बात नहीं है, क्यों, क्योंकि सारे क्लेशों से उभर कर तो मैं निकला हूं, सारे संसार को जीत लिया हूं, विक्ट्री जीसस के अंदर में, यीशु मसीह के अंदर में एक विजय है। तुम्हारे अंदर में वो कॉन्फिडेंस है, छूचो, छूना चाहते हो, मैंने छुआ, मैंने छुआ, और जिस घड़ी मैंने छुआ ना, वो मैं आपको कभी बताऊंगा अपनी गवाही, वही रोइटे खड़े हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाता है, गदगद हो जाते हैं, एंड वी फॉरगेट व्हाट वी आर एंड हु आई एम, मुझको नहीं मालूम कि मेरे क्या हूं, कुछ सारी चीजें क्या, केवल 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 दीवानापन, दीवाना हो जाते हैं, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, कितना है ना। लेडी चंगी हो गई है, और ये लेडी जो है, जबकि जिसी को नहीं छू सकती है, ये लेडी जो है यीशु मसीह को छू ली है, और ये लेडी चंगी हो गई है। अब देखना एक चीज है, एक अच्छी बात होने के बाद तुरंत एक बुरी चीज हो जाती है, ये प्रायः जीवन में मैंने भी देखा है, हर अच्छाई के बाद एक बुराई बोलते हैं ना, हर उजाले के बाद एक अंधेरा, हर दिन के बाद एक रात, बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो भी है होता है, लेकिन यहां पर क्या है, ये लेडी ठीक हुई है 12 साल की, उत्थे में देखो एक खबर आ गया, क्या आ गया, वह यह कह ही रहा था, 49th वर्स को 49 वचन को पढ़ रहा हूं, वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहां से आकर कहा, यह आराधनालय का सरदार है याईर, को ने याईर मतलब एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट इसका नाम का शायद आता है, मतलब ये सरदार है, और ये सरदार जो है कैसे आया, शुरू में आप पढ़ना 40 वचन वगैरह को, आप देखना 40-41 वगैरह को आप पढ़ के देखना कि क्या बोलता है, सरदार जो है आया और आके क्या किया, यीशु के पांव पर गिरकर उससे विनती करने लगा। इतना बड़ा याजक यीशु के पांव के ऊपर गिर गया, और यीशु जिसको सारे लोग जो है बायकॉट करके निकालना चाह रहे हैं, उसको मारना चाह रहे हैं, और ये गवर्नमेंट पूरी उसके अगेंस्ट में है, और ये जाकर उसके पैर पे गिर रहे हैं,
क्या करना है, जब यहाँ जरूरत पड़ती है ना तो सारी चीजें खत्म हो जाती है। उसकी लड़की, इकलौती लड़की, छोटी लड़की करके शायद मार्कुस कहीं लिखा है, लेकिन इकलौती लड़की, एक ही लड़की 12 साल की, कैसे कैसे इलाज करता होगा, क्या क्या करता होगा, बच्चे के लिए क्या नहीं कर सकता। जाके उसके पैरों पर गिर गया, नम्रता, हलीमी, और अपने आप को नीच नीच नीचे गिद्दा गिरा सकते हैं, गिराए यीशु मसीह के सामने, और किसी के सामने नहीं, यीशु मसीह के सामने, कि प्रभु तू इतना महान है कि मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सामने। और दैट फेलो, ही नोज दैट जीसस कैन डू एनीथिंग, यीशु मसीह कुछ भी कर सकता है, उसकी लड़की को भी ठीक कर सकता है। अब जहाँ ये लेडी अपना बयान दे चुकी, और उसके बाद 49 में मैंने पढ़ा था, सरदार यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई है। आराधनालय के सरदार के यहाँ से कोई आके क्या बोला, तेरी बेटी मर गई है। अब मर गई है, यहाँ क्या करना, गुरु को दुख मत दे। क्या दया दिखा रहा था, गुरु को तकलीफ मत दे। इसको बोलते हैं बटरिंग, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, छुरा चलाना, मीठी छुरी जिसको बोलते हैं। गुरु को तकलीफ मत दे, तू गुरु को जानता है कौन है वो? यदि तू गुरु को जानता तो ये शब्द नहीं बोलता कि तकलीफ मत दे, क्योंकि गुरु जो है, गुरु कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, नथिंग कैन स्टॉप हिम, कोई उसको बचा नहीं सकता, बाच भी छुड़ा नहीं सकता, रोक नहीं सकता। लेकिन ऐसा आके निराशी वाली बातें आ गई। लेकिन निराश मत होना मेरे भाई मेरे बहनों, बता रहा हूँ मेरे बच्चों, कभी भी निराश मत होना। जिंदगी में कई निराशाएं आती हैं, कभी कभी अपने पैसों की, कभी पारिवारिक स्थिति की, कभी मियाँ बीबी की, कभी माँ बाप की, कभी पड़ोसी की, कभी ऑफिस की, कभी कलीसिया की, कभी कुछ परेशानी, कभी कुछ परेशानी। लेकिन ये परेशानियां आती हैं, निराश मत होना, कीप इन टच विद हिम, उसके साथ जुड़े रहना। तकलीफ मत तो नहीं बोलना, खुदा मैं तेरे पास हूं, आई एम वेटिंग एंड आई एम लॉन्गिंग टू सी यू, टू मीट यू एंड टू टेस्ट यूर मिरेकल, तेरे आश्चर्य कर्मों का अनुभव लेना चाहता हूं। खुदाउन तू अद्भुत काम करने वाला, युक्ति वाला परमेश्वर है, परमेश्वर का एकलौता संतान है, एकलौता पुत्र है, जिसने 12 साल की परेशान होके झूमती रही, वहां के छुई और वो खत्म ठीक हो गई। एक मिनट में, पल भर में नहीं लगता, सब चीजें ठीक हो जाती हैं। और यहाँ पर हुआ, अब देखें यीशु मसीह कितना कंपैशन, देखिए कितना प्रेम है, कितनी दया है, कितना कंसर्न है। अरे आया ही उसी लिए, ये काम कर रहा है, उसका मिशन है ये। क्या बोलता है यीशु ने, यह सुनकर उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। यानी बोल रहे मर गई है, ये बोले बच जाएगी। अरे जैसे कैसे लकवा मारा हुआ, तेरे पाप क्षमा हुए। क्या किस रिलेशन देखिए, कितना कहां की चीजें कहां जोड़ के कहता है कि वो बच जाएगी, मतलब वो सैलवेशन भी मिल जाएगा उसको। बेटा याद रखना, मैं हूं, डरो मत, विश्वास रख, एक चीज विश्वास। वो लड़की, क्या है उसके विश्वास ने तुझे चंगा किया, एंड शी वॉज हैविंग सो मच फेथ, इसको बंडल ऑफ फेथ जिसको बोलते हैं, कि माउंटेन ऑफ फेथ उसके पास था, और इतनी भयंकर वो विश्वास था कि वो बोली कि मैं छू भर लू, खत्म हो जाए, छुई और ठीक हो गई। मैं उस लड़की के बारे में फिर बताऊंगा, लेकिन अभी इस लड़की के बारे में सुनिए। जब ये लड़की मर गई, यीशु मसीह छोड़ा नहीं, और उसके भीतर उसने उसके साथ गया, मत बोलो गुरु को, मत तकलीफ दो, वो बात सुना नहीं, उनकी बात को हटा दिया, दूसरी बातें सुनता नहीं, बेकार की बातों पर ध्यान नहीं देता, तुम्हारे अगेंस्ट में कोई बात नहीं कर सकता, कोई करे तो भी नहीं सुनेगा, तेरी चुगली नहीं सुनेगा, तेरी बात नहीं सुनेगा, तेरी दूसरे जो की कोई दूसरी अफवाह नहीं सुनेगा, केवल तेरे दिल की सुनेगा, तेरी बात को, तेरे दिल से जो बात है उसको सुनेगा। वो परमेश्वर जो है कहता है, मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा, और ये हृदय की बात जानता है, he knows the heart, he knows the language of the heart, वो समझता है। और समझने के बाद ये क्या किया, उस लड़की के पास गया और उसके घर को गया, घर को जाने के बाद रोना पीटना चल रहा, सब नाटकबाजी चलता है ना, बहुत से लोग हैं, आपको मालूम है, ये ओडिशा में
मेरे मामा के शादी में हम लोग गए थे, मैं छोटा था, उस कहा कि वहां पर लड़की की विदाई के टाइम रोना है, नहीं भी आए तो कहना है, और उसके लिए जैसे बैंड पार्टी होती है ना, वैसे रोने वाली पार्टी है वहां मिलती है, पैसा दो, उन लोग आते हैं 5-6 लोग, आके बैठे छाती ठोक ठोक के रोते हैं हाँ, और उसमें से क्या है, फिर कुछ देर के बाद एक जन जाएगा बाहर, वो बीड़ी वीडी पीता रहेगा, उसके बदले में दूसरा बैठ के रोता रहेगा, और वो फिर आएगा, ये करके कंटिन्यूस रोते रहते हैं, हल्ला मचाते रहते हैं। मैं देखा हूं खुद, यहां क्या नाटक हो रहा है। यीशु मसीह आया और उसने क्या कहा, 52 वचन कहता है, उसके लिए सब रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वह मरी नहीं है परंतु सो रही है। लोग हंसने लगे, लोग हंस रहे, हंसेंगे जब गवाही दोगे ना, लोग हंसेंगे। मैंने कई अपने अनुभवों को देखा है, वो बोलते हैं ये प्रचार करता ना, पैसा मिलता होगा अमेरिका से, तभी चेतक खरीदा है। मेरे कोलिग बोल रहा है एक जन, मैं सुना, क्या बोलूंगा, मैं चुप, कुछ बोलने लायक नहीं था, बहुत ग्लानी हुई अंदर से, टूट गया मैं। लेकिन परमेश्वर कैसे सहायता करता है। उसी समय एक ऋषि कुमार तिवारी करके प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के, वो वेल्लोर से अपना किडनी वडनी कुछ ऑपरेशन करा के आए थे, वो वहाँ पर थे, बोले भाटी क्या बोल रहे हो तुम, इसको बोल रहे हो, तुम जानते हो क्या करता है, जानते हो कैसा करता है, ऐसे तुमको कमेंट पास करना चाहिए, से सॉरी। अब पता नहीं आगे क्या हुआ, मेरे को बस मेरे को मिल गया, मेरे को खुराक मिल गया, मैं सेटिस्फाई हो गया। मैं चोरी करके लाया क्या, अपने मेहनत के पैसे से खरीदा। याद रखना, कई प्रकार की बातें होंगी, लेकिन यीशु मसीह कहता है नेवर माइंड, मत ध्यान दे, तेरे साथ मैं खड़ा हूं, और मैं क्या कमती इस प्रकार के अवहेलनाओं को सहाऊं, कमती सहाऊं, मेरे चेहरे पे थूके हैं यार, तेरे को मालूम है, और राजा के सामने खड़े होके बोल रहा था, तो सिपाही मेरे को जो 2 कौड़ी का एक झापड़ मारता है हाथ से, 5 उंगली का निशान, और वो सोचता बहुत बड़ा काम किया हूं, राजा प्रमोशन दे देगा, चेहरे पे थूक रहे हैं, कीले काढ़ रहे, मेरे पे हंसी कर रहे, तू परमेश्वर का पुत्र है तो उतारा, हंस रहे, यहां भी हंस रहे हैं, हंसो कोई बात नहीं। लेकिन क्या किया उसने, हाथ पकड़कर पुकार कर कहा, हे लड़की उठ, मरकुस के 5:41 में कहता है तलिता कुमी, मतलब हे लड़की उठ, कितना हाथ पकड़ के, उधर पतरस के सास को हाथ पकड़ा वो थी चंगा हो गई, लाजर को बोला उठ के आ, वो आ गया, किसी को हाथ पकड़ता, किसी को ये आता है, और उसके बाद क्या किया देखो, यहाँ इस भीड़ जो रोने पीटने वाले हैं ना, उनको बोले गायब बाहर, ये जो पवित्र काम करने में जा रहा हूं, एक मरे को उठाने जा रहा हूं, एक आत्मा को बचा रहा हूं, वहां ये बेकार की भीड़ मुझको नहीं चाहिए, ये नाटकबाजी नहीं चाहिए। उसने क्या किया, तो उसका हाथ पकड़ के उठाया, उठ गई, उसके प्राण लौट आए, बोलता देखिए, तबियत ठीक हो गई, बीमारी ठीक हो गई नहीं, उसके प्राण लौट आया, मतलब शी वाज डेड एंड नाउ रिजरेक्टेड, ये एक और मुर्दे को उसने उठाया, सोचो, हे लड़की उठ, और उठ गई, और फिर उसने आज्ञा दी कि कुछ खाने को दिया जाए, भीड़ को छोड़ दिया, माँ बाप को रखा, और उसके बाद अपने 3 चेलों को, पतरस, यूहन्ना और याकूब को लेके अंदर गया, 5 लोग को लेके गया, वो 6वीं वो लड़की वहां थी, और किसी को अंदर आने नहीं दिया। कारण क्या है कि इनके अविश्वास जो है इनके विश्वास को बिगाड़ सकता है, और इनका विश्वास इनके अविश्वास को देख के बिगड़ सकता है, कम हो सकता है, गायब हो सकता है, इसलिए बोला दूर रहो। जब जरूरत पड़ता है ना, यीशु मसीह मेरे को सुरक्षित भी रखता है, शैतानी कामों से दूर रखता है, शैतान को हटाता भी है, मेरे को पता नहीं चलता, लेकिन आई एम सेव, मैं सुरक्षित हो गया। ये लड़की उठ गई और बोले, उसके बाद क्या बोला, इसको कुछ खाने को दो, भोजन दो, मतलब वचन पढ़ाओ, दुआ करो, तुम्हारे बच्चे को संभालो, ये जो बिगड़ गई थी इसको संभालो, आत्मिक शारीरिक आत्मिक रूप से मर गई थी, शरीर के नहीं, जो भले आत्मा के रूप से मर गई थी, डेड हो गई थी, इसको कुछ खाने को दो, वचन दो, जीवन की रोटी मैं हूं, बोलता है वो रोटी दो, खाने को दो,
बदलाव, ताकत लाओ। ताकत आने के बाद फिर छोड़ो, जैसे कि पतंग को छोड़ते हवा में चलते जाती ऊपर, जितने ऊपर जाए उतने ऊपर चले जाए, छोड़ सकते हो। लेकिन ये लड़की को अभी तुम संभालो। 12 साल के 2 केस उसने ठीक किया, एक ही दिन पैदा हुए, दोनों चीजें ठीक हो गई। इधर ये लेडी ठीक हो गई और वो अपने विश्वास से ठीक हो गई। उसको मालूम था यीशु मसीह को कि दैट लेडी इज अबाउट टू कम एंड द डायरेक्शन फ्रॉम विच शी इज कमिंग ही नोज, वो डायरेक्शन भी जानता है। और पलट कर देखा, आगे नहीं देखा, बगल नहीं देखा, इधर नहीं देखा, पलट के देखा और देख के बोला किसी ने मुझे छुआ है। मतलब बोल सकता था कि तूने मुझे छुआ है, लेकिन नहीं, उसके मुंह से बुलवाना चाहता है कि मैंने तुझे छुआ है। इसलिए बोलता है किसी ने मुझे छुआ है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए इसबियस करके एक बहुत बड़े हिस्टोरियन है, ये 4th सेंचुरी के हिस्टोरियन है। इसकी कुछ हिस्ट्री के बुक्स के आधार पर जो चीज़ें कुछ प्राप्त हुई हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि उसने पता लगाया कि इस लेडी का नाम जो है ये वेरोनिका है, जिसका कि टाइटल दिया हूँ मैं इस सर्मन का, वेरोनिका इसका नाम है। मतलब वेरोनिका का मतलब भी मैं देखा, वो बोलता है विजय, विक्ट्री, विजय करके इसका इसका नाम है, विजया बोल सकते हैं अपन, लड़की है, लेडी है। तो और ये जो है ये लेडी कहाँ की है, नॉर्थ पैलेस्टाइन में, ये पेनेस करके एक जगह है, उसका स्पेलिंग भी मैं आपको बताऊं, PANAES, पेनेस करके एक जगह है। और इस जगह कि ये लेडी है, और ये लेडी ने जो ठीक हो गई, और ठीक होने के बाद मतलब शी वॉज ऑलमोस्ट ऑल नियर अबाउट रिच वुमेन, काफ़ी पैसे वाली भी थी ये। और ये जो है अपने घर के सामने, ये पेनेस में अपने घर के सामने 2 स्टैचू बनवाई है। एक स्टैचू जो है यीशु मसीह का, मतलब गाउन वाउन पहना हुआ जैसा था यीशु मसीह का, और दूसरा ये एक लेडी जो है घुटने पे होकर और उसे छू रही है उसके अंगरखा को, ऐसे करके ये मूर्ति, दो जुड़े हुए मूर्तियां उसके घर के सामने लगाई। इस लगाने के बाद कोई भी आके जब पूछता था ना ये कौन है, तो कोई बताए, पहले तो बताती थी कि वो इसको हम बताती थी कि हाँ अच्छा हुआ तुमने पूछा, मैंने इसलिए बनाया कि तुम पूछो। और बताया कि ये मैं हूँ लेडी और ये मेरा यीशु मसीह है, इसके अंगरखा को छूने से 12 साल से जो परेशान थी, मैं फ्रीडम मुझको मिल गया है। और उसके बाद भी एक वो म्यूजियम टाइप हो गया बोलते, पता नहीं अभी क्या हाल है कि नहीं है, लेकिन वहाँ पर कोई भी आए वो देखते थे और गाइड उसको समझाते थे कि ये जो है यीशु मसीह है, जिसने कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी इसको सलीब पर चढ़ाए, लोग बेमौत मारे, हाथों में खीले, पैरों में खीले, बगल में भाले, सिर में कांटे, और सब कुछ करके वो सलीब पर चढ़ाए और उसके वहाँ पर बेमौत उसको मारा गया। उसने अपने प्राण देते देते वो एक चुंबकीय दुआ किया कि पिता इनको क्षमा कर, सारी दुनिया के लिए दुआ किया और बोलता है मैं अपना प्राण तुझको सौंपता हूँ बोल के पिता के पास जहाँ से आया था चले गया। ये पूरी स्टोरी वहाँ पर बताते थे, ये है। और दूसरा देखिए एपोक्रोपल करके बुक है ना, आप कैथलिक्स बुक है बाइबल जिसको बोलते हैं अपन शायद, और उसमें बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिसको बोलते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से नहीं लिखी गई, इसलिए शायद उसको निकाल दिए, एडिट किए, जो भी है मेरे को उतना क्लियर मालूम है, लेकिन कुछ ऐतिहासिक बातें हैं जो कि अपन उसमें से ले सकते हैं। और मेरे को जो कन्विंसिंग भी लगा मैं पढ़ा, तो उसमें एक एक बुक ऑफ निकोदेमुस करके, जैसे अपन लूका रची सुसमाचार, मत्ती रची सुसमाचार करते हैं ना, वैसे निकोदेमुस सुसमाचार शायद उसको बोला जा सकता है हिंदी में, वो बुक ऑफ निकोदेमुस है। और उसने देखो तुम उसके बारे में अपने को मालूम है ना, वो कैसे अपन शायद कुछ लेक्चर्स मैंने बताया भी, यीशु मसीह के पीछे पीछे था और वो जो है जोसेफ अरमतिया के साथ में ले जाकर यीशु मसीह को कब्र में डाला और इत्र वगैरह डाला, सब कुछ किया। ये निकोदेमुस जो है यीशु मसीह का दीवाना तो था, भले ही ओपन था या सीक्रेट था जो भी था, लेकिन वो यीशु मसीह के पीछे दीवाना था। और ये जो ये इसने है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये लेडी जो है, ये 12 साल की लेडी, ये वरुणिका जो है ये चंगी हो गई, और चंगी हो जाने के बाद अपने घर में रही और पेनेस में ये अपना कारोबार रखी और सारे चीज सोसाइटी में मिंगल होते रही और इसका थोड़ा अच्छा नाम भी होने लगा था, सब होने लगा। लेकिन ये एक बार यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ा रहे थे, तब ये जब यीशु मसीह का जब कुछ
सॉरी, जब कुछ स्टॉपेज आते थे ना, मैंने देखा है वो सारी चीजें, स्टॉपेजेस आते थे ना जहाँ क्रूस उठा के क्रूस नीचे रखकर या देखता था कि कोई है कि नहीं, कौन है, उसी में शायद कुछ कुल देख आ जाए, कोई आ जाए, कोई आ जाए, कोई नहीं आ रहा, और चलो फिर उठा के फिर चल रहा, उसी एक मोमेंट में वन ऑफ द स्टॉप्स, एक जगह जो रुका, तो ये वर्णिका, ये निकुदमस बोलता है, लिखा है वर्णिका भीड़ में से दौड़ के गई और जाके यीशु मसीह को पुटारी, चूमी, पकड़ी, सब कुछ की, जो कुछ प्यार करना था सारे अपने उल्लास उमंग अपने अंदर की भड़ास निकाल दी और उससे पूरा लिपट के पूरा खूना खून अपना खुद हो गई, कपड़े सब उसके खून हो गए। कहीं लिखा है कि उसके कपड़े को खून में डुबा के दिया भी गया करके, जो भी बोलते हैं, जैसा भी हो, इस खून को, इन धब्बों को लेकर गई। पहले खून के धब्बों से परेशान थी, बीमार थी, अब खून के धब्बों से पवित्र है, पवित्रता इसके अंदर में आ गई है। वो खून, वो लहू, वो बीमारी का था, वो गंदा खून था, और ये खून जो है पवित्र खून, प्रभु यीशु मसीह का लहू, प्रभु यीशु मसीह का खून, सलीबी लहू, उसके एक एक बूंद के लिए मैं तरस रहा हूं, हम तरस रहे हैं। एंड दिस वर्णिका गॉट दैट ब्लड, अपने अंदर में ली धब्बों को लेके। पहले तो उस धब्बों को छुपाने की कोशिश करती थी, अब ये धब्बों को लेके खुल्लम खुल्लम बता रही कि मेरा यीशु मसीह परमेश्वर है, इकलौता पुत्र है, मेरा उद्धार करता है। समझ गए, ये है वरुणिका, ये है विजेता, ये है विक्ट्री, ये है सब कुछ प्राप्त करने वाली। 12 साल तेरा क्या हुआ, लेकिन यहां पर सारे 12 द्वार तेरे लिए खुल जाते स्वर्ग के लिए। 12 कौन तेरे सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि तू पवित्र है और महापवित्र है। याद रखना, उसने आज्ञा दी कि इस लड़की को कुछ खिलाओ, और इस लड़की को बोला तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, और ये अपने यहां चले गई, ये चले गई और पैलेस्टाइन में अपने घर में गई, अपनी गवाही दी, यीशु मसीह से मिली और धन्य हो गई। मैं आज आपके सामने हाथ जोड़ के बड़े दीन होकर मैं आपसे विनती करता हूं, यदि अभी तक आप में से कोई है जिसने प्रभु को नहीं पाया, तो यही वो समय है। दिस इज द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी लॉर्ड हैज गिवन। या कोई कमिटमेंट लेना है, या कुछ आगे बढ़ना है, ये घड़ी का प्रश्न करना, आगे बढ़ जाओ। यीशु मसीह हमारा है, यीशु मसीह मेरा है, और जब हमारे अंदर में ये प्रेम रहता है ना, तो वी हैव दैट पावर। मैं आपको बताता हूँ, देखिए कई बार मेरे कलीसिया में मैंने बताया है, क्रिस्टोफर दत्ता जब बीमार था, कैंसर था, थ्रोट कैंसर, गाने वाले को थ्रोट कैंसर, क्या करिश्मा, और तो मैं और मेरी वाइफ जो है स्कूटर में हम लोग गए धमतरी, करीब करीब 90-100 किलोमीटर दूर है, और मैं हम दोनों गए, और जैसे ही गए ना, घुसे, मेरे को अच्छी तरह याद है, उठा ऐसे तकिए से, ऐसा हाथ रख के उठा और क्या बोलता है, आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, ये उसके शब्द थे भाई। माय वाइफ स्टार्टेड वीपिंग, लेकिन मैं कंट्रोल किया, मैं उसके मॉरल को डाउन नहीं करना चाहता, बोले यस क्रिस्टोफर, आनंदित रहेंगे, सदा आनंदित रहेंगे। और ऑपरेशन के बाद जो गीत लिखा, जिसको विनोद ने बहुत ही अच्छे तरीके से स्वरबद्ध करके गाया है, मैं चाहता था कि एक लेडी वॉइस में भी वो आ जाए, और मैं मरीना नंद से रिक्वेस्ट किया, एंड शी एग्रीड एंड शी डिड इट, उन्होंने गाया, और वो गाना क्या मालूम, कि जीवन प्रभु ने दिया है उसकी स्तुति करेंगे। जीवन का डोर टूट रहा था, ऑपरेशन होने के बाद ठीक हुआ, वो बोलता है कि आई वॉज अबाउट टू डाई, टूट रहा था, तब क्या हुआ, प्रभु ने मुझे छुआ, छुआ बोला, देखना गाइए, उसने टच किया, ये वरोनिका जो है इसको टच किए, लेकिन यीशु मसीह ने इसको टच किया, एंड ही फेल्ट द टचिंग। और जब मेरे को छूता है ना, तो आई फील द टचिंग। मैं आपको बताऊं, रमेश करके एक तबला बजाता था, नॉन क्रिश्चियन लड़का, हमारे MFC में, पैसेंजर्स में, एक बॉय का, मैंने उसको बोला कि तू गवाही दे, बोले ब्रदर मेरे से नहीं बनेगा, मैं नहीं जानता, बोले कुछ बोल यार, दो चार शब्द बोल, मैं तेरे बगल में खड़े रहता हूँ, बोल रहोगे ना, हाँ मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। वो क्या बोलता, दुआ जो किया ना, अभी भी मैं याद करता हूँ, रमेश खुदा तेरे आशीष दे, तू कहाँ है, किस हालत में मुझे नहीं मालूम, लेकिन तेरी दुआ मुझको अभी भी याद है। क्या बोलता है कि प्रभु ने मुझे बहुत 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 सहायता की, भलाइयाँ की हैं,
और हरदम मेरे साथ रहा है। और मैं उसको बोला कि प्रभु मेरे कंधे पर तेरा हाथ रहने दे, मेरे हाथ तेरा हाथ मेरे कंधे से मत हटाना। और आपको मालूम बोलता है कि ये कंधा मेरा जो है झुका रहता है, और अभी भी देखो ये कंधा मेरा झुका हुआ है, एक वजन मेरे को लगता है। जब से मैं दुआ करता क्या मालूम, प्रभु मेरा ये कंधा झुकाए रख मेरे बाप। Well, I want the touch, वो छुआ, मैंने तेरे को छुआ, तेरे अंग रखे को छुआ, और तूने मुझे चंगाई दी, तूने हाथ पकड़ा, मैं मरी हुई थी, मैं उठ गई, तूने मुझे छुआ, मरा हुआ था, जीवन आ गया, गूंगा था, बोलने लगा, अंधा था, देखने लगा, बहरा था, सुनने लगा, कुछ काम का नहीं था, सब काम का आदमी हो गया, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह को पा लिया। मैं जो हूँ वो मैं नहीं हूँ, मेरे अंदर में प्रभु यीशु मसीह है। आइए हम इस गीत को सुनेंगे मरीना की आवाज़ में, और उसके बाद हम पादरी साहब की दुआ और आशीष से हम अपनी सभा को समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू माइटीली। खुदावन तुम्हें धन आशीष दे, खुदावन का हाथ तुम्हारे ऊपर रहे, तुम्हारा कंधा झुका रहे, और तुम्हारे अंदर में उसकी रोशनी बनी रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी एंड बीयरिंग मी। गॉड ब्लेस। जीवन में अंधेरा हो जाता है, ऐसा लगता है कि नैया डूब रही है, और उसी समय यीशु आकर छूता है तो नया दिन, नई रात, नया सुबह और सब कुछ नया हो जाता है। और उसी समय आंसू निकलते हैं लेकिन खुशी के, और दुआ निकलती है
तो दिल से जो कबूल होता है। आज के इस वचन के लिए जो हमारे बीच में बोया गया है हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी दयालु सामर्थी परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आते हैं, आपके नाम की महिमा तारीफ और प्रशंसा करते हैं। आज के जीवित और प्रभावशाली वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, जो आपकी आत्मा की सामर्थ से आपके दास के द्वारा हमारे बीच में बोया गया है। इन वचनों को आशीषित करें प्यारे प्रभु जी, और जितनों ने आपके वचन को छुआ है उनको अपनी बड़ी सामर्थ को होने दे प्यारे परमेश्वर पिता, उनके जीवनों में अपनी सामर्थ को, अपनी आशीषों को उंडोले। जिस प्रकार से हमने वचन में देखा कि उस स्त्री ने जिसे लहू बहने का रोग था, जब प्रभु यीशु आपको छुआ तो उसके जीवन से वो रोग समाप्त हो गया, आपकी सामर्थ उसके जीवन में उतरी। और प्यारे प्रभु उसी प्रकार से आज जितने आपको विश्वास से पुकार रहे हैं, जितने आपको विश्वास से छू रहे हैं, इन वचनों के द्वारा जितनों ने आपको छुआ है प्यारे प्रभु, हर एक के जीवन में अपनी बड़ी सामर्थ को होने दे। हर एक प्रकार की प्यारे प्रभु जी तकलीफों को यीशु के नाम से दूर करें, और हर एक से बोले और बातचीत करें, सबसे बढ़कर आत्मिक क्षेत्र में हर एक की अगुवाई करें, ताकि प्यारे प्रभु हम में से हर एक जन आपके वचन में बढ़ते जाए और आपके नाम की महिमा करने वाले हो सके। प्यारे परमेश्वर पिता, आपके दास को भी आपके हाथों में सौंप देता हूँ, उन्हें भी बहुतात से आशीषित करें, बल और सामर्थ्य दें, और भी अपनी महिमा और सेवा में बढ़ाए। और एक बार फिर से प्रभु इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, और आदर और महिमा आपको देते हैं, और विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करें रेवरेंट सुरेश कुमार सिंह सर के द्वारा। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मीठी सहभागिता आप सबों के संग जीवन पर्यंत प्रभु यीशु मसीह के आने तक होता रहे।